Assalamualaikum friends, कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो friends, आज हम लोग दुआएं पढ़ेंगे और कारी साहब से जी और भी बहुत कुछ होगा. सो वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए. आ जाइए. अस्सलाम वालेकुम कारी साहब. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. माशाल्लाह ये मेरे बच्चे हैं और इंशाल्लाह आज हम इन बच्चों को दुआएं सिखाएंगे. उसमें सिर्फ ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल और छः कलमे और वुज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ और तजम्मुम के फ़राइज़ और इसमें वाशरूम आने और जाने की दुआएं और खाना खाने की और खाना खाने के दरमियान की और खाना खाने के बाद की दुआएं और नमाज जनाजा और रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने की दुआ और रोज़ा खोलने की दुआ और इसमें ऐतर कुर्सी, दुआ कनूत वगैरह जो दुआएं होती है इंशाल्लाह वो भी बच्चों से हम सुनेंगे और इनको हमने पहले सिखाई हुई है. तो इंशाल्लाह आज ये बच्चे हमें दुआएं सुनाएंगे. जी तो गाइस और भी बहुत कुछ होगा तो आज ये स्टार्ट करते हैं. औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सिफ्त ईमान मुफस्सल. आमनतु बिललाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिरी व कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत. सिफ्त ईमान मुजमल. आमनतु बिललाहि कमा हुआ बिअस्माई व सिफातिही व कबिलतु जमीअ अहकामी. इकरारुम बिललिसानि व तस्दीकुम बिलकल्ब. पहला कलमा तैयब मैंने पाक. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. दोयम कलमा शहादत मैंने गवाही देना. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह. सोयम कलमा तमजीद मैंने अल्लाह को अल्लाह की बुजुर्गी बयान करना. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چار کلمہ توحید میں نے اللہ کو ایک مانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا. ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. पंचम कलमा अस्तगफार. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतु अमदन औ खतअन सिरहन अव्वलानियतन व अतूबु इलैहि मिन अज़म्बि अल्लज़ी अअलमु व मिन अज़म्बि अल्लज़ी ला अअलमु. इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल ग़ुयूबि व सत्तारुल ग़ुयूबि व सत्तारुल ग़ुयूबि व ग़फ्फारुल ज़ुनूबि व ला हौला व ला قوة إلا بالله العلي العظيم. ششم كلمة رد كفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها. وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. खाना खाने की. तो गाइस ये थी हमारे कलमे और अब कैसे आपसे पूछते हैं क्या ये थे. अब इन बच्चों से मैं इंशाल्लाह वुजू के फराइज सुनूंगा, गुसल के फराइज और तयम्मुम के फराइज और उसके बाद अजान के बाद की दुआ और इंशाल्लाह बाकी जो दुआएं हैं वो भी इंशाल्लाह एक एक बच्चे से सुनेंगे इंशाल्लाह. तो राफिब आप सुनाएं वुजू के फराइज कितने. औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वुजू के चार फराइज हैं. पहला मुंह धोना, दूसरा बाजू धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, चौथा टखनों समेत पांव धोना. गुस्ल के फराइज. गुस्ल के तीन फ़ायदे हैं. पहला
कुल्ली करना गरारों के साथ, अगर रोधा हो तो मुंह में पानी फेर के फेंक दे। दूसरा नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक। तीसरा पूरे जिस्म में पानी डालना, एक भी बाल खुश ना रहे। तो अजान बेटा तजम्मुम के फराइज सुनाएंगे। तयम्मुम के तीन फराइज हैं। पहला नियत करना कि मैं नमाज के लिए पाक की खातिर कर रहा हूँ। दूसरा पाक में टिकात में उसको जाना, फिर पाकों पे मल लेना, मुंह पे मल लेना, पाक में टिकात में उसको जाना, फिर पाकों पे मल लेना। माशाल्लाह। अब राफी बेटा अजान के बाद की दुआ सुनाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. آمين. أذان بتاع روزہ رکھنے کی دعا سنیں. روزہ کھولنے کی دعا رافع بیٹا. اللہم انی لکا سمت و بکا آمنت و علیکا توکلت و علی رزقی کا افطرت. واشروم میں جانے کی دعا. واشروم میں داخل ہونے کی دعا. گفرانے کا اللہم انی اعوذ بکا من الکرسی والکبائر. باہر آنے کی دعا. غفرانك الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني. تو رافی بیٹا آیت الکرسی ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. نماز تراویح میں جو ہم چار رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھتے ہیں تو وہ بیٹا سنائیں گے. حاشی شہید بیٹا سنائیں گے. تسبیح تراویح سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والخیبات والقدریائی والجبروت والقدرت والقدریائی والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبحان قدوس وربنا ورب ربنا ورب الملائکۃ والروح اللهم اجرنا من النار یا مجیر اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفترك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اليك نسعى ونعبد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. تو مناہل بیٹی جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھنے کی دعا. اللہ اکبر. سیڑھیاں اترنے کی دعا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی پیاری ہے, بہت اچھا پڑھتی ہے. تو یہ ہمیں دعا کرو سنائیں گے. اذان کے بعد کی دعا بچی سنائیں گے. اذان کے بعد کی دعا. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا بالوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اور جی ہمیں آمین. واش روم میں جانے کی دعا سنائیں گی. یہ تھے مناہی بیٹی, بہت اچھا پڑھتی ہے ماشاء اللہ. اذان بیٹا جو ہے وہ آیت الکرسی سنائے گا ہمیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ماشاء اللہ. تو یہ تینوں بچے جو ہیں
वो हमें नमाज जनाजा सुनाएंगे, उसकी नियत सुनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी सना और उसके बाद उसका दुरूद शरीफ, फिर उसकी बालिग मर्द औरत की दुआ, फिर जो नाबालिग बच्चा है उसकी दुआ, फिर नाबालिग बच्ची की दुआ, ये पूरा नमाज जनाजा हमें तीनों बच्चे सुनाएंगे इंशाल्लाह। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा फिर लियाना व मयतना व शाहिदना व गायबना व समीना व कबीरना व ज़करना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना व तवफ्फहु अलल ईमान मिन्ना फ़ाहिहि अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना व तवफ्फहु अलल ईमान। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नमालक लड़के के मैयत की दुआ अल्लाहुम्मा मजअल लना मरदा मजअल लना अजरं व ज़ुख्रा मजअल लना शाफ़िअं व मुशफ़अ। नमालक लड़की की मैयत की दुआ अल्लाहुम्मा मजअल हालना मरदा मजअल हालना शाफ़िअं व अजरं व ज़ुख्रा मजअल हालना शाफ़िअतं व मुशफ़अ। माशाल्लाह ये बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बीच में एक आधी मिस्टेक हुई है, तो माशाल्लाह बच्चों को नमाज जनाजा भी आता है और सारी दुआएं भी आती हैं, तो माशाल्लाह ये राफे और शहीर और मोहम्मद अजाम ये तीन बेटे और ये हमारी मुनाहिद बेटी बहुत अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह, इसको दुआ कनूत भी आती है और इसने माशाल्लाह जो 30वां पारा है उसकी सूरह बजना 23 का सबक है माशाल्लाह वो हिफ्ज़ कर रही है माशाल्लाह, तो इन तीन बच्चों ने सूरह ज़िलज़ार दिखकर जो है वो सूरतें हिफ्ज़ की हुई माशाल्लाह, तो आगे इंशाल्लाह ये पढ़ते रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बच्चों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। और गाइस हमारी वीडियो की ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो का कम से कम एम है 1000 सब्सक्राइबर का और 1000 के अगर आपने हमारी ये एम पूरा किया तो हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाएंगे। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि आगे रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है, तो आप सबसे हम कहते हैं कि उसमें रोजे रखें, सहर और अफ्तारी भी करें और रोजा रखें, अल्लाह बहुत जवाब देगा। हम लोग भी रमजान में वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।